हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है रेडमी CC9 Pro, जो कि अभी लॉन्च तो नहीं हुआ लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह सामने निकल कर आई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूं अगर मैं रेडमी कंपनी की, जो रेडमी कंपनी है वो बहुत ही बढ़िया सा काम कर रही है। मतलब कि हमें रेडमी कंपनी की तरफ से एक बजट प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया और अच्छी स्पेसिफिकेशंस और अच्छे डिज़ाइन में फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह रेडमी अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जो कि है रेडमी CC9 Pro। लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी लॉन्चिंग के बारे में बात चल रही है। एक डेट भी सामने निकल कर आई है इसकी लॉन्चिंग डेट, वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि इसकी लॉन्चिंग डेट सामने निकल कर आई है वो है 5 नवंबर। कंपनी का कहना है कि जो ये रेडमी CC9 Pro है 5 नवंबर को लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और फोटो वगैरह सामने निकल कर आई है, आज की वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि कंपनी ने इस रेडमी CC9 Pro की दिखाई है। तो ये है वो फ़ोटो आपके सामने। तो इस फोटो में दोस्तों, ये फ़ोन जो है कर्व डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रेडमी का पहला फ़ोन है जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस फोटो में आपको देखने को मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। और दोस्तों, हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें इस रेडमी CC9 Pro की, तो आपको इसमें देखने को मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर। और बात करें हम इसकी डिस्प्ले की, तो आपको इसमें 6.47 इंचेस की कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये काफ़ी अच्छी बात लगी कि हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ये कुछ एक्साइटिंग सा हमारे लिए होगा। रेडमी के फ़ोन में फर्स्ट टाइम कर्व डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसके हम स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें, तो अभी सिर्फ एक स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में बात हुई है, ज़्यादा स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में बात नहीं हुई। तो देखते हैं और स्टोरेज वेरिएंट्स इसके आते हैं कि नहीं। जो इसके एक स्टोरेज वेरिएंट की बात की गई है वो है 6 GB RAM 64 GB स्टोरेज। तो अभी इसी एक स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बताया गया है। और आपको इसकी बैटरी के बारे में बताया, तो आपको इसमें मिलेगी 5170 mAh की बैटरी, यानी 5170 mAh की बैटरी। तो हमें बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी है इसके अंदर। और अब चलते हैं इसकी जो मेन हाईलाइट सी देखने को लग रही है, तो इसमें आपको जो कैमरा की बात करें, आपको इसमें पहले फ्रंट कैमरा बताते हैं। फ्रंट कैमरा तो आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल्स का। और जो रियर कैमरा है वो 5 कैमरा सेटअप बताया जा रहा है कि 5 कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। और जो मेन प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 108 मेगापिक्सल्स का, यानी 108 मेगापिक्सल्स का। दोस्तों, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा दोस्तों, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। जो न्यूज़ मेरे सामने निकल कर आई है, तो उसमें तो यही है कि 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला, तो अभी सेंसर वगैरह के बारे में नहीं बताया गया कि कैमरा के अंदर कौन सा सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन 108 मेगापिक्सल का कैमरा, तो पिक्चर क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए कैमरा की। तो दोस्तों, ये तो फ़ोन लॉन्च होने के बाद हमें पता लगेगा कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिलता है कि नहीं। लेकिन इसमें बात की गई है 5 कैमरा की, कि हमें 5 कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा बैक में, और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल को देखने को मिलेगा। और इसकी दो बातें जो मुझे इस रेडमी CC9 Pro की अच्छी लग रही है, एक तो कर्व डिस्प्ले और एक 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा। तो दोस्तों, इंतजार रहेगा हम सबको इसी रेडमी CC9 Pro का, क्योंकि मुझे तो एक्साइटिंग सा फ़ोन लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके प्राइस वगैरह के बारे में नहीं बताया गया, यही कुछ स्पेसिफिकेशंस थी जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके वीडियो को शेयर कर देना।